second hairline. Today's video is all about the front hairline. Her client ko ek natural hairline chahiye hi hota hai. Otherwise, they are not very happy with it. But today I'm going to share little information regarding the front hairline taake aap ek informed decision le sake whether aapko ek front natural hairline chahiye hai ya nahi chahiye hai. So let's get started. पहले आपको ये समझना जरूरी है कि फ्रंट हेयरलाइन जो होता है ये फ्रंट हेयरलाइन नेचुरल क्यों दिखता है. सो इसके पॉइंट्स है. फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि फ्रंट हेयरलाइन के जो हेयर सिस्टम्स होते हैं उनका फ्रंट बहुत ज़्यादा थिन होता है, इनविजिबल होता है. तो अगर आपने वो स्कैल्प पे रखा तो वो कम्प्लीटली इनविजिबल होता है, बहुत थिन होता है. सेकेंड पॉइंट है, जो फ्रंट हेयरलाइन होता है उसमें बहुत लो डेंसिटी होता है. डेंसिटी यानी अगर आप नेचुरल हेयर भी किसके देखेंगे तो आगे के एरिया में हमेशा बहुत कम बाल होते हैं, फिर डेंसिटी बढ़ जाता है. तो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो पीछे, आगे जो है वो बहुत लाइट डेंसिटी है, लेकिन क्योंकि ये लाइट डेंसिटी है इसके लिए वो और ज़्यादा नेचुरल लगता है, हैवी डेंसिटी नहीं है. थर्ड पॉइंट है, जो उसका बेस के नीचे जो टेप या ग्लू लगता है, आगे जब नेचुरल हेयरलाइन वाले हेयर सिस्टम्स में आप थिक टेप्स नहीं लगा सकते. थिक टेप्स मतलब जिनके लाइफ ज़्यादा होते हैं, 20 दिन, 25 दिन, एक महीना. इसमें जो रहता है, टेप्स जो भी यूज़ करना होता है वो पतले टेप्स यूज़ करना पड़ता है. लेकिन जो पतले टेप्स होते हैं ये नॉन शाइनी होते हैं, बहुत नेचुरल लगते हैं, इनविजिबल रहते हैं, लेकिन ये इसका लाइफ ज़्यादा नहीं रहता है. तो आपको शायद ये टेप्स एवरी वीक चेंज करना होगा, या फिर टेप यूज ही नहीं करते, सिर्फ आगे ग्लू लगाया जाता है. अनदर पॉइंट जो फ्रंट हेयरलाइन को नेचुरल करता है वो है ब्लीच नॉट्स. क्या होता है, जो बेस होता है उस पर वो हेयर को नॉट किया जाता है, लेकिन वो नॉट काफ़ी बारीक होता है, फिर भी फ्रंट में जब होता है वो थोड़ा दिखता है. ये नॉन ब्लीच नॉट्स है, लेकिन अगर हम इसे ब्लीच करते हैं तो ये और भी नेचुरल होता है, क्योंकि वो जो नॉट का जो थिकनेस होता है बेस पे वो इनविजिबल हो जाता है, तो बहुत नेचुरल लगता है. तो जैसे आपने समझा कि एक तो वो ट्रांजिशनल डेंसिटी होता है, कम बाल होते हैं आगे, प्लस उनका बेस भी थिन होता है, नॉट्स इनविजिबल होता है, और जो टेप भी यूज किया जाता है वो बहुत पतला रहता है, या फिर टेप यूज ही नहीं करते, सिर्फ आगे ग्लू लगाया जाता है. नाउ व्हेन यू डू ऑल ऑफ दिस, फ्रंट हेयरलाइन बहुत नेचुरल लगता है. उनका हेयरलाइन बहुत नेचुरल है, बहुत इनविजिबल लग रहा है, जैसे लग रहा है कि पूरा स्कैल्प से आते हो. अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, मैं नेगेटिव नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि इसमें मेंटेनेंस ज्यादा रहता है, और आपको प्लस भी जानना चाहिए और आपको माइनस भी जानना चाहिए. यू शुड नो द प्रोज एंड कॉन्स. जो हेयर सिस्टम का फ्रंट नेचुरल हेयरलाइन होता है उसमें मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा होता है. क्योंकि इसमें जो हेयरलाइन रहता है वो अगर आप एक पतला टेप यूज़ कर रहे हो तो शायद आपको एवरी वीक वो टेप चेंज करना होगा, या फिर आपको जो आगे ग्लू लगता है वो बेस को उठा के क्लीन करके आपको वापस वहाँ पे ग्लू लगा के फिक्स करना होगा. तो दिस मेक्स इट स्लाइटली हाई मेंटेनेंस. जिसको भी फ्रंट हेयरलाइन नेचुरल चाहिए है, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा ये एफर्ट करना ही होगा. सेकेंड पॉइंट है, जो फ्रंट हेयरलाइन रहता है इसके नीचे जो ग्लू लगाया जाता है वो एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं ये इस पर लग के थोड़ा मैला होने लगता है. सो आपको शायद ब्रश लेके या टूथब्रश लेके थोड़ा सा जेंटली इसको क्लीन भी करना पड़ता है, ताकि ये कम्प्लीटली क्लीन लगे, फ्रेश लगे, क्योंकि धीरे 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 करके इस पर डर्ट बैठ जाता है. तो इसके लिए फुल्ली नेचुरल दिखने के लिए आपको थोड़ा क्लीन भी करना होगा. इट्स नॉट अ लॉन्ग प्रोसेस, बट येस इट्स ऑफकोर्स एन एफर्ट. नेचुरल हेयर सिस्टम में मेंटेनेंस जरूर लगता है. ये सवाल भी हमें बहुत आता है कि ये नेचुरल हेयर सिस्टम दिखते तो अच्छे हैं, मैं मेंटेन भी कर लूँगा, लेकिन क्या मुझे लॉन्ग लास्टिंग मिल सकता है? नहीं. आप प्लीज़ समझिए, जो नेचुरल हेयरलाइन सिस्टम रहते हैं इनका बेस जो रहता है वो बहुत पतला रहता है और बहुत डेलिकेट रहता है. तो अगर इसको बहुत वेयर एंड टेयर होता है, एक पॉइंट के बाद ये वीक हो जाता है, और इसमें जो आगे बाल भी लगते हैं वो बाल भी बहुत कम लगते हैं, क्योंकि वो नेचुरल हेयरलाइन लगना चाहिए, उसमें गैप्स होना चाहिए. सो व्हाट हैपेंस इज,
लेस हेयर प्लस थिन बेस, इसका लाइफ ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. सो एज फार एज नेचुरल हेयरलाइन हेयर सिस्टम्स आर कंसर्न, ये शायद ख्याल रखें तो 4 महीने तक टिकेगा. आप बहुत ही ज़्यादा केयर लेते हो तो शायद 5 महीने, बट इससे ज़्यादा चलना मुश्किल है. सो ऑनेस्टली अगर आपको बहुत लॉन्ग लास्टिंग हेयर सिस्टम चाहिए, none of the natural hairline hair systems in the world are long lasting. ये आपको world में कहीं भी नहीं मिलेगा. जिसे हम design कराते हैं ये शायद दुनिया में सबसे best है, लेकिन कुछ limitations है technical. The density is low, the base is thin, the life becomes less. So if you are looking for a system जो बहुत time तक चले तो शायद natural hairline वाले systems is not the right option for you. Okay, so all those guys who are okay with the maintenance, और ऐसे भी बहुत लोग हमारे clients होते हैं जो बोलते हैं नहीं मुझे natural hairline चाहिए और मैं maintain कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ. basically जो front hairline, जो natural hairline होता है, इसमें क्या करना पड़ता है, आप जो मोटे टेप्स होते हैं वो जो 20 दिन चलते हैं 30 दिन चलते हैं वो शायद आप फ्रंट पे नहीं लगा सकोगे, क्योंकि टेप्स थोड़े से शाइनी होते हैं और वो थोड़े दिखते हैं. इट्स नॉट कम्प्लीटली विजिबल, बट किसी को जो चाहिए जो कम्प्लीटली इनविजिबल हो तो शायद वो टेप्स आर नॉट द राइट ऑप्शन फॉर यू. नेचुरल हेयरलाइन के लिए बहुत थिन जिसमें शाइन नहीं हो ऐसे टेप्स यूज करने पड़ते हैं, ताकि वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर पाए और वो कम्प्लीटली बेस जैसा स्कैल्प जैसा ही दिखे. लेकिन क्योंकि उसमें एडहेसिव जो ग्लू होता है वो बहुत कम होता है, 1 वीक बाद उसका स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है. सो द चॉइस इज योर्स, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आप डिसाइड करिए क्या मैं मेंटेन करने तैयार हूँ तो मैं फ्रंट नेचुरल हेयरलाइन ले सकता हूँ. अगर मैं मेंटेन करने नहीं हूँ तो फिर शायद आप हेयर स्टाइल ऐसा चुनिए जहाँ पे हेयरलाइन एक्सपोज नहीं हो. थोड़ा हेयर स्टाइल ऐसा चूज करिए, जैसे आप देख सकते हो पिक्चर में इनका जो हेयरलाइन है, जो हेयर स्टाइल है वो हेयरलाइन कवर्ड रख रहा है. अब इसमें क्या होता है, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा. सो इफ़ यू आर somebody जिसको नहीं मिलता है टाइम, या यू आर नॉट somebody जो मेंटेन कर सके, आई सजेस्ट कि आप हेयर स्टाइल ऐसा चुनिए जो हेयरलाइन कवर कर दे. सो थैंक यू. इफ़ यू स्टिल हैव एनी फर्दर क्वेश्चन रिगार्डिंग द फ्रंट नेचुरल हेयरलाइन हेयर सिस्टम्स, प्लीज़ कमेंट इन आवर कमेंट बॉक्स. हम कोशिश करेंगे कि आपके सब क्वेश्चंस के आंसर कर सके, और ट्राई टू कीप द क्वेश्चंस मोर रेलेवेंट ताकि हमको आंसर करने में आसानी हो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन एंड सब्सक्राइब टू अमेरिकन हेयरलाइन. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सो दैट यू गेट इवन मोर इन्फॉर्मेशन एंड यू मेक द राइट डिसीजन. थैंक यू.